अष्ट ज्योतिर्लिंग की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था, दक्षिणा अंगुष्ट से ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुआ। प्रजापति वीरण की कन्या से है ब्याह रचाया, वीरण की कन्या का तो है वीरण नाम कहाया। प्रसूति नाम की कन्या से फिर किया उन्होंने विवाह, पत्नियों से उनको हुई 84 कन्या। पत्नी प्रसूति से हुई उनको 24 कन्याएं, और वीरणी से उत्पत्ति 60 की सभी बताएं। अपनी सब कन्याओं का वो ब्याह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। अपनी 13 पुत्रियों का धर्म से किया विवाह, और ख्याति का विवाह महर्षि भृगु से ही हुआ। पिता की आज्ञा बिना सती ने भोलेनाथ चुने, संभूति के पति महर्षि मारीचि फिर हैं बने। पुत्री स्मृति ऋषि अंगिरस संग गई ब्याही, महर्षि पुत्सल की पत्नी प्रीति बन घर आई। सन्नति का तो विवाह महर्षि के साथ किया, और महर्षि अत्रि के संग भेजी अनुसुईया। ऋषि वशिष्ठ के संग पुत्री ऊर्जा पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। ऋषि पितृष के संग में ब्याही दक्षिण पुत्री स्वाहा, फिर 13 पुत्रियों का कर दिया धर्म के साथ विवाह। श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि जाता जिन्हें कहा, पुष्टि मेधा क्रिया बुद्धि और नाम लज्जा। वपु शांति सिद्धि और कीर्ति है कहलाई, प्रजापति ने यह 13 साथ धर्म के ब्याही। पत्नी वीरणी से भी दक्ष को पुत्रियां 60 हुई, 10 पुत्रियां वीरणी की भी धर्म से ही ब्याही। इन
दस पुत्रियों के भी तुमको नाम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। मरुवती वसु और जामू लंबा भनु जाए कहाँ, अरुंधति संकल्प मुहूर्त संध्या और विश्वास। तेरह कन्याएं हैं दक्षिण ऋषि कश्यप संज्ञाही, और सत्ताईस चंद्रमा की पत्नी बन घर आई। कृतिका रोहिणी मृगशिरा और अद्रा पुनर्वसु, पुष्य अश्वलेशा मेघा और है अश्व। स्वाति चित्रा फाल्गुनी हस्ता राधा कहलाए, अनुराधा ज्येष्ठा मुला आषाढ़ भी तो आए। अभिजीत श्रावण सर्विष्ठ शताभिषक कहलाते, प्रोसठ पदस रेवती और भरणी नक्षत्र रहते। तो चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया। अधिकांश वो अपना समय तो रोहिणी संग बिताते, बाकी 26 पत्नियों पर ना अपना प्रेम जताते। बात पसंद न चंदा की दक्ष पुत्रियों को आई, अपने पिता को उनकी शिकायत आ कर के है लगाई। दक्ष प्रजापति ने है चांद को अपने पास बुलाया, सबका ही अधिकार समान है चांद को ये समझाया। दक्ष की बात न माने तो उन्हें क्रोध बड़ा आया, दे दिया शाप चांद को, कोढ़ी हो गई है काया। अपनी भूल पे फिर तो चंद्रमा बड़े पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। स्थान पे शिवलिंग बना के करने लगे पूजा, दक्ष शाप के कारण काया छीड़ ही होती जाए। आखिर तप से खुश होकर खुद महादेव है आए, बोले इच्छा क्या है मन में चंदा बतलाओ। बोले दक्ष शाप से मेरा पीछा छुड़वाओ, फिर अपने हैं चंदा को थाम लिया। घट कर भी तुम बढ़ जाओगे ये वरदान दिया, इसीलिए तो चंदा घटते बढ़ते जाते हैं, पावन
कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। चंद्रमा ने खुद हाथों से ये ज्योतिर्लिंग बनाया, ब्रह्मा जी ने शाप से मुक्ति का रास्ता बतलाया। आए वो परभास क्षेत्र में शिवलिंग किया स्थापित, करते रहे भोले की पूजा दर्शन ना दिए जब तक। की है घोर तपस्या आखिर भोले आए से मुक्ति पूर्ण ना दे सकते। 15 दिन तक रहोगे बढ़ते और 15 दिन घटते, भोले की भक्ति से अमर भी वह हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग संग आप तो यहाँ पे करो निवास। कहने लगे हैं भोले भक्त तू जैसा चाहेगा, कहते हैं तुम्हें सोम ये सोमनाथ कहलाएगा। पहला ज्योतिर्लिंग ये इस धरती पे माना जाए, भारत वर्ष गुजरात और प्रभास क्षेत्र में आए। दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग जाता है। पतन और उत्थान प्रतीक ही माना जाता है। इस पावन मंदिर पर भक्तों हमले कई हुए, किंतु हिंदू राजाओं ने फिर निर्माण किए। 725 ईस्वी में एक सिंध गवर्नर था, सोमनाथ पे हमला उसने सेना सहित किया। लूट ली सारी संपत्ति और मंदिर ध्वस्त कराया, किंतु राजा नागभट्ट ने फिर से इसे बनवाया। मुस्लिम शासक तोड़े और हिंदू बनवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये
शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। महमूद गजनबी ने किया 1024 में हमला, 5000 सैनिकों को था उसने साथ लिया, लूट ली सारी संपत्ति और फिर मंदिर ध्वस्त किया, कई बेगुनाहों को उसकी सेना ने मार दिया, राजा भोज और भीमदेव ने फिर निर्माण कराया, सिद्धराज जय सिंह ने भी उनका साथ निभाया, सम्राट खंगार कुमार पाल ने इसे सजाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार जमाया था, नुसरत खां गुजरात के राजा फिर बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। नुसरत खान ने मंदिर को फिर से ध्वस्त किया और प्रतिष्ठित शिवलिंग को भी खंडित है कर दिया, करके लूटपाट वो गए हैं हीरे और मोती, चलता रहा सिलसिला ये फिर लगातार यूं ही, 1395 में सुल्तान मुजफ्फर शाह उसने आया बेटा अहमद शाह, अहमद शाह ने भी तो सिलसिला वही है दोहराया, औरंगजेब मुगल शासक फिर भारत में है आया, मंदिर पर आक्रमण वह दो बार कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। शाह ने तुड़वाया, 1665 में औरंगजेब ने दोहराया, देखा के हिंदू भक्तों का है ये पावन धाम, अपनी सेना भेज कराया वहां पे कत्लेआम, 1947 में शासक जब भारत का आया, सरदार वल्लभ भाई ने है दोबारा बनवाया, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति भारत के हुए, राष्ट्र हित में वो भी है मंदिर निर्माण किए, इतने आक्रमण से आस्था कम ना कर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग।
नाथ ज्योतिर्लिंग भक्तों पहला माना जाए। कठियावाड़ प्रभास क्षेत्र में ये तो अब आए, शिव भक्तों के लिए ये तो बड़ा ही पावन धाम। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते भक्त सुबह हो शाम। हंसराज रलहन दीवाना है शिव नाम का, डीएस पालन गुण गाया ज्योतिर्लिंग धाम का। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लिखता फौज सुरेश, भूल चूक कर माफ भोले भक्तों की हमेश। अज्ञानता वश गलती कोई न कोई कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमनाथ किस कारण शिव शंकर कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करो माया को भंग, ये शिव के